हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है शकरकंदी की चाट। सर्दियों में शकरकंदी की चाट खाने का मजा ही कुछ और है। इस चाट को मैंने जिस तरह से बनाया है, ये देखने में और खाने में बिल्कुल हनी चिली पोटैटो की तरह लगती है। लेकिन इस रेसिपी में मैंने किसी भी सॉस का यूज़ नहीं किया है। इसमें केवल वही चीज़ें हैं जिन्हें हम घर में बना सकते हैं और जो मोस्टली हम सभी के घरों में होती ही हैं। ये एक एनी टाइम परफेक्ट स्नैक है। जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर वेट मैनेजमेंट को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो इस हेल्दी और यमी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आप तक मेरी सभी रेसिपीज़ पहुंचती रहें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए शकरकंदी। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि रेड वाली शकरकंदी ली है और जो लंबी और पतली हैं। सबसे पहले हम इन शकरकंदी को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए मैं एक कुकर में डाल रही हूँ लगभग 100 ml पानी और इसके ऊपर मैं एक वायर का स्टैंड रख दूँगी। और अब मैं अपनी हथेली पर ले रही हूँ थोड़ा सा घी और घी को इस तरह से फैलाकर इस पर एक एक करके शकरकंदी रखूँगी और शकरकंदी को घी से अच्छे से कोट करके फिर इसे बॉयल होने रखूँगी। इस तरह से बॉयल करने से शकरकंदी की जो नेचुरल मिठास है वो बरकरार रहती है। कभी भी हमें शकरकंदी को पानी में डिप करके नहीं बॉयल करना चाहिए। पानी में डिप करके बॉयल करने से जो शकरकंदी की मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से एक एक करके अच्छे से घी लगाकर मैं इसके ऊपर सेट करती जाऊंगी और सारी शकरकंदियों को एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी। सारी शकरकंदी को हमने घी से कोट कर दिया है और कुकर के अंदर रख दिया है। अब मैं इनको बॉयल करूंगी। एक विसल आने तक हमें फ्लेम को फुल पे रखना है। उसके बाद में मैं दो विसल आने तक गैस की फ्लेम को सिम पर रखूंगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये मशी हो जाएंगी। शकरकंदी अच्छे से बॉयल हो गई हैं लेकिन ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो छिलका है वो ऊपर से हट भी गया है। वो उतना मैटर नहीं करता है लेकिन हम इन्हें तभी छीलेंगे जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि जिस समय ये गर्म होती हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो ठंडे होने के बाद में मैंने शकरकंदी को छील लिया है और अब बारी आती है इन्हें काटने की। मैं शकरकंदी को बीच में से स्लिट करके इसके छोटे छोटे पीसेस काटूंगी। अगर आप बहुत मोटी शकरकंदी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे बीच में से लंबाई में चार टुकड़ों में काट सकते हैं और बाद में उसे डाइस कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके टुकड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। आप शकरकंदी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी सेक सकते हैं या फिर इन्हें लंबाई में काट कर आप इन्हें सेक सकते हैं और फिर सेकने के बाद में इन्हें बाद में काट सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से शकरकंदी को सेक सकते हैं। हालांकि मैं इस तरह से शकरकंदी को बीच में से काट कर स्लाइस कर देती हूं और फिर उसे सेकती हूं, लेकिन आज मैं आपको दोनों ही तरह से शकरकंदी सेक कर दिखाऊंगी। शकरकंदी सेकने के लिए नॉनस्टिक पैन पर मैं डाल रही हूँ लगभग एक टीस्पून देसी घी और अब मैं इसमें डालूंगी एक टीस्पून बटर। पैन पर बटर डालने से पहले हमेशा उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल दें, अदरवाइज बटर जल सकता है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। शकरकंदी को ना ही हमें बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम पर सेकना है और ना ही बहुत हल्की फ्लेम पर सेकना है। पैन पर अच्छे से बटर और घी स्प्रेड करने के बाद में मैं इस पर रख रही हूँ शकरकंदी। शकरकंदी को हमें दोनों तरफ से सेकना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसे सेकना है। इसे सेकने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या फिर आप इस रेसिपी की कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक की प्रिपरेशन आप पहले से करके रख सकते हैं, यानी शकरकंदी को आप पहले से भी भून के रख सकते हैं और बाद में उसे हम जिस तरह से चटनी और अपनी बाकी चीज़ों के साथ इसे फ्राई करेंगे वो बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह की जब रेसिपीज़ हम बनाते हैं जिनकी कुछ प्रिपरेशन हम पहले कर सकते हैं और कुछ प्रिपरेशन हम बाद में कर सकते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत भरी रहती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि शकरकंदी दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब शकरकंदी को मैं पैन से बाहर निकाल रही हूँ और इसी पैन में हम बाकी की तैयारी करेंगे।
तो आपने देखा कि हम बहुत ज़्यादा बर्तन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सेम पैन में ही सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून घी लिया है, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं अब इसमें बटर डाल रही हूँ तो आप चाहें तो बटर को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को अपने किसी गेट टुगेदर के लिए बना रहे हैं तो आप घी और बटर थोड़ा जेनरसली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस रेसिपी को एक ग्लेज देंगे और इसे बहुत ही अच्छा और टेम्पटिंग लुक देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून हरे धनिए की चटनी। ये वही चटनी है जो जनरली हम अपने घरों में पीस के रखते हैं। इसे पीसते वक्त मैंने इसमें केवल मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा इमली का पल्प डाला था। हरे धनिए की चटनी के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की मीठी चटनी। इसकी क्वांटिटी भी लगभग 2 टेबल स्पून है। आप इमली की चटनी या फिर हरी चटनी की क्वांटिटी को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। इमली की चटनी और हरी चटनी को लगभग हमें 10 से 15 सेकंड तक स्टर करना है। इमली की चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर छुआरा, किशमिश और अदरक वाली इमली की चटनी की रेसिपी अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब बारी आती है इसमें शकरकंदी ऐड करने की। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। सारी चीज़ों को तब तक स्टर करें जब तक कि जो चटनी है वो शकरकंदी को अच्छे से कोट ना कर ले। रेसिपी में अभी मेरे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली अब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी वजह से इसको बहुत अच्छा कलर मिलेगा। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं या फिर उसे स्किप कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुने हुए तिल। तिल को मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ था। तिल डालने के बाद में ये रेसिपी और ज़्यादा कलरफुल लग रही है। अच्छे से मिक्स करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप अगर चाहें तो धनिए की जगह पे हरा वाला प्याज, जो स्प्रिंग अनियन आता है, उसको भी बारीक काट के ऐड कर सकते हैं। उससे और ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी लगभग मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। पानी इस रेसिपी को थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा। पानी हमें एक बार में नहीं ऐड करना है, जो बचा हुआ पानी था वो अब मैं फिर से ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करें, ताकि एकदम से अगर ऐसा ना हो कि जो शकरकंदी है वो पानी अब्जॉर्ब ना करे और ये एकदम देखने में लिक्विडी हो जाए। पानी ऐड करने के बाद में बारी आती है इसमें नमक ऐड करने की। हरी चटनी में और इमली की चटनी में पहले से ही नमक था, इसलिए नमक डालते वक्त ये ध्यान रखें कि हमें नमक संभाल के थोड़ा कम ही डालना है। नमक डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करें और गैस की फ्लेम को लो पर कर दें और इसे लगभग 2 मिनट तक ढककर पकाएं। 2 मिनट तक ढककर पकाने के बाद में ये चाट बनके तैयार है और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व करते वक्त आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल के भी सर्व कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी को इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।